ये था मेरा स्टूडियो, यहाँ पे मैं बैठ के अपनी सारी वीडियोस बनाया करता था। मेरे चैनल की आपने शुरू की जितने भी वीडियोस देखी हैं ऑल वर शॉट इन दिस रूम, बट नाउ दिस रूम इज नॉट माइन एनीमोर। अभी मेरे बच्चों का है, बच्चों का बेड पड़ा हुआ है, बच्चों का काउच पड़ा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स देयर कंप्यूटर एज वेल। बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह थोड़े से, तो अब जब बड़े हो रहे हैं तो दे नीड मोर स्पेस, सो ऑब्वियसली आई कुड नॉट शूट माई वीडियोज इन दिस रूम एनीमोर। I decided कि यार अब मुझे जगह चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर में काम नहीं था हो रहा, फिर बच्चे हैं आते हैं बार बार, बंदा डिस्टर्ब भी होता है। ये घर मैंने तकरीबन कोई डेढ़ साल पहले खरीदा था, इनिशियली ये किराए पे दिया हुआ था, बट देन जब कोरोना वोना हुआ और यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई तो बेसिकली यहाँ पे जो टेनेंट्स थे देवर ऑल स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा कि जैद भाई हम जाना चाह रहे हैं, हम घर खाली करना चाह रहे हैं, मई की बात है। तो मैंने कहा ठीक है जी आप घर खाली कर दें, उसके बाद से मैंने किराए पे नहीं दिया। सो दिस इज़ माई स्टूडियो सिंस देन, नवंबर के बाद से यही मेरा स्टूडियो है। बाहर अभी प्लांटेशन का काम मैंने शुरू कराया हुआ है, घास वास अभी लगेगा, ये जो सामने पौधा आपको नजर आ रहा है इसको भी रीलोकेट करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट अ लिटिल ग्रीन, अच्छा लगे ना थोड़ा सा। सो नाउ लेट्स एंटर द हाउस और मैं आपको घर दिखाता हूँ कि हाउ इट इज़ फ्रॉम इनसाइड। बेसिकली लाउंज है घर का, मैंने इसको मॉडिफाई इस तरीके से किया हुआ कि यहीं पे बैठ के मैं शूटिंग भी कर लूँ और यहीं पे बैठ के अपनी वीडियोज़ की एडिटिंग भी कर लूँ। पीछे वो चेयर है और सामने मेरा जो है वो एडिटिंग स्टेशन है। इफ़ यू सी ऑन दिस साइड, ये बेसिकली ग्रीन स्क्रीन है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने का मौका तो मुझे अभी तक नहीं मिला, फिर भी मैंने लगाई हुई है। मैंने कहा क्या पता कभी कोई वीडियो एडिटिंग करना पड़ जाए। ग्रीन स्क्रीन के पास आपको ये जो दो लाइट्स नज़र आ रही हैं जिनमें से एक है ये और दूसरी लाइट है ये, दीज आर बेसिकली द स्मॉल लाइट्स जिनको मैं अक्सर अपने साथ जहाज़ पे भी लेके जाता हूँ। व्हेन आई एम सिटिंग एंड आई एम यूजिंग अ ट्राईपॉड, देन दिस ट्राईपॉड इज़ बेसिकली माई चॉइस। इट्स एन एक्सेलेंट ट्राईपॉड, किंग जॉय का है, ज़्यादा महंगा नहीं है बट इट डज़ द जॉब। ये दोनों बेसिकली मेन लाइट्स हैं जिनको की लाइट भी आप कह सकते हैं, और अंदर इनके एल ई डी बल्ब्स लगे हुए हैं। देर इज़ नथिंग एक्सपेंसिव और नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी अबाउट दीज लाइट्स, दे जस्ट डू द जॉब वेल। दरवाजे के एंटर होते ही बिल्कुल दरवाजे के साथ, तो ये वो जगह है कि जहाँ पे कोई आ जाए तो मैं उसको बिठा लेता हूँ। अगेन नथिंग एक्सपेंसिव, सस्ता सा प्लास्टिक का टेबल रखा हुआ है, छह कुर्सियाँ हैं, लेकिन ये कि कोई आए तो वो यहाँ पे आके बैठ सकता है। टेबल के बिल्कुल इस तरफ ये मेरी कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनके अंदर मैंने अभी तक जितना भी सामान खरीदा हुआ है ऑलमोस्ट सारा ही पड़ा हुआ है, एटलीस्ट सबके बॉक्सेस पड़े हुए हैं। इस अलमारी के टॉप पे बिल्कुल आपको ये जो खिलौने रखे हुए नजर आ रहे हैं सारे मेरे बच्चों के खिलौने। बीच में से कुछ सेलेक्ट करके मैं चूज करके ले आया हूँ। दिस इज अ ज़ॉम्बी, दिस इज अ मिनियन, दिस इज अगेन अ मिनियन, कछुआ, गाड़ी, रूट, बादशाही मस्जिद, बेसिकली ये सारे मैं बेसिकली उनके खिलौने उठा के ले गया हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं अपनी सारी की सारी वीडियोज शूट कर रहा होता हूँ। दिस इज माई चेयर एंड टेबल। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस कैमरा, ये कैमरा जो है ये बड़ा हिस्टोरिकल कैमरा है, यशिका का। आई बॉट दिस कैमरा इन 2003, सन 2003, कितने साल हो गए, बहुत सारे साल हो गए यार। अब ये कैमरा मेरे ख्याल में किसी इस्तेमाल करने के काबिल तो नहीं है, बट आई स्टिल कैप्ट इट, हिस्टोरिकल कैमरा, मेरी टेबल पे रखा होता है, यहाँ पे साइड पे आमतौर पे। ये मेरा वही वॉइस रिकॉर्डर है, जूम H1N, और साथ में आवाज़ जो मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ दैट इज दिस माइक, बोया MM1, बहुत ही सस्ता सा माइक है लेकिन अच्छा है। ऑन कैमरा माइक जो मैं यूज कर रहा होता हूँ दैट इज दिस रोड वीडियो माइक को। जिम्बल जो मैं यूज करता हूँ दैट इज जूजुन वीबल S, अच्छा मुझे इसलिए लगता है यार कि इट इज फुली कोलैप्सिबल, इसको आप फुली कोलैप्स करके और आप इसको अपने बैग के अंदर डाल सकते हैं, इट बिकम्स रियली वेरी स्मॉल। लेंसेज एक इस कैमरे के ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है, दिस लेंस इज बेसिकली 16-35mm F4 सोनी की है, क्लास की लेंस है, बहुत अच्छी है। दूसरी लेंस जो है मेरे पास दैट इज दिस 50mm F1.8, ऑप्टिकली स्टेबलाइज तो नहीं है बट दिस इज रियली रियली शार्प एंड योर बैकग्राउंड इज नाइसली ब्लर्ड। आखिरी जो कई वीडियोज हैं वो मैंने इसी लेंस के ऊपर शूट किए हैं, आई रियली लाइक दिस लेंस। और तीसरी और आखिरी लेंस जो मेरे पास है दैट इज दिस सोनी 70-200 F4, टू गुड लेंस यार, टू गुड लेंस। आपको जो लॉन्ग थ्रो के शॉट्स नजर आते हैं ना मेरी वीडियोज के अंदर, वो सब के सब इस लेंस के ऊपर शूट किए गए होते हैं। सो दीज थ्री लेंसेज आर ऑल दैट आई हैव, और कैमरा मेरे पास जो है दैट इज सोनी Alpha 7C। पहले मेरे पास Alpha 7 III था बट Alpha 7C आया तो मैंने कहा चेंज कर लेते हैं, Alpha 7C हैज़ बेटर वीडियो कैपेबिलिटीज। इफ़ यू कम ऑन दिस साइड ऑफ माई टेबल, तो यहाँ पे एक ही हाथी रखा हुआ है, एक ही ऊँट रखा हुआ है, और ये एक लैंप है, टेबल लैंप है, ऑकी का टेबल लैंप है, रिचार्जेबल है बट इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ सेंसिटिव टू टच, और आप इसके डिफरेंट शेड्स भी चेंज कर सकते हैं, सो इट इज़ गुड, अच्छा है। देन दिस इज़ माई पेन होल्डर, टेबल पे आपको नजर आता ही होगा, ये एक ऊँट साहब हैं, ये भी मुझे अच्छे लगते हैं, पूरे का पूरा ये ब्रास का बना हुआ है, इट्स रियली नाइस। यहाँ पे आप आ जाएं तो ये ऑरेंज शॉर्ट्स का वो मग है जो कि मेरे एक फैन ने मुझे दिया, एंड आई ऑलवेज कीप इट ओवर हियर,
कभी सामने रख देता हूँ, कभी उठा के यहाँ पर रख देता हूँ. देन दिस इज अनदर सोवेनियर रेस्क्यू 1122 की तरफ से. मेरा दोस्त है वहाँ पे, उसने मुझे दिया था. ये बेसिकली एक चार्जर भी है, वायरलेस चार्जर, लेकिन मैं इसको आमतौर पे स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अब चूंकि ये iPhone 12 Pro Max है तो ये है काफ़ी बड़ा. इसको चार्ज करता नहीं है, कॉइल्स अलाइन नहीं होती, तो इसको जस्ट एक स्टैंड के तौर पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ. यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये एक छोटा सा शेल्फ नुमा चीज़ है. इसमें एक तो मैं ये रखता हूँ USB डोंगल, और सेकेंडली मेरी जो वॉच है वो भी मैंने यहीं पर रखी हुई होती है. आई लव दिस वॉच. आई बॉट दिस वॉच इन 2012 आई थिंक. 9 साल हो गए इसको मेरे पास. बहुत अच्छी घड़ी है. थोड़ा सा और अगर आप आगे आ जाएं तो दिस इज माई एपल्स मैजिक माउस 2 एंड दिस इज माई एपल्स मैजिक कीबोर्ड 2. दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है. देन दिस इज माई 32-inch मॉनिटर जिसके ऊपर मेरी एडिटिंग चल रही होती है. अभी तो यूट्यूब चल रही है. इट्स अ नाइस एंड बिग स्क्रीन जिसके ऊपर ये सब की सब चीज़ें चल रही होती हैं. आई हैव मोर एरिया टू नेविगेट एंड आई हैव मोर एरिया टू वर्क विद. आई रियली लाइक दिस मॉनिटर. डेल का है, बहुत महंगा नहीं है. मैंने सेकंड हैंड लिया था, तकरीबन 32,000 रुपीज़ का मिला था. दिस इज हाउ आई एडिट माई वीडियोज. दिस इज हाउ द टाइम लाइन लुक्स लाइक. इट्स अ बिट स्केरी बट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, बंदा कर लेता है. एंड देन हियर आई हैव माय मैकबुक प्रो 13 inches. M1 चिप से मैं बड़ा सेटिस्फाइड था, इट वाज डूइंग टू गुड. बट देन आई फेल्ट लाइक यार मैं मैक मिनी M1 जो यूज़ कर रहा हूँ इसकी वजह से मुझे अपने टेबल पे स्टिक रहना पड़ रहा है. तो मैंने फिर चेंज कर लिया, मैंने मैकबुक प्रो ले लिया 13 inches का, और साथ ही साथ मैंने अपना iPad बेच दिया बिकॉज आई डोंट नीड iPad एनीमोर. मैकबुक आ गया तो मोबिलिटी मेरी बढ़ गई है बेसिकली. थोड़ा सा और अगर आप इस तरफ आएँ तो ये मेरा एक बच्चों का खिलौना है. कभी आयरन मैन बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है. मेरे बेटे ने मुझे दिया है, सो आई एम कीपिंग इट ओवर हियर. दिस इज माई वन प्लांट जो कि मैंने खरीदा था सन 2018 में YouTube चैनल शुरू करने के कुछ अर्सा बाद. अभी तक मेरे पास है, बड़ा पसंद है मुझे. दूसरा प्लांट जो है मेरे पास वो ये है. अगेन अच्छा लगता है यार रखा हुआ. आपके डिस्क्रिप्शन के दौरान डिफरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं. ये देखे ना यहाँ पे वीडियो में, ये प्लांट रखा हुआ है, ये ग्रुप रखा हुआ है, ये हल्क रखा हुआ है, आई थिंक इट इज हल्क, और पीछे ये छोटा सा कैमरा रखा हुआ है. दे आर लुक गुड. अगर आप इसी वीडियो मॉनिटर के पीछे आ जाए तो यहाँ पे ये एक लाइट रखी हुई नजर आ रही है. ये जो कलर्स नजर आ रहे हैं इसी वजह से. आप इस कलर को चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. इट हैज़ गॉट अ नाइस बटन, यू कैन चेंज इट टू एनी कलर दैट यू लाइक. यहाँ पे ये मेरा चार्जिंग स्टेशन है. यहाँ पे दुनिया जहान के अडॉप्टर्स लगे हुए हैं और दुनिया जहान की चीज़ें लगी हुई हैं जो कि मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को चार्ज कर रही होती हैं. ये सेकेंड चार्जर स्टेशन है जहाँ पे डिफरेंट बैटरीज में चार्ज करता हूँ अपनी ऑडियो इक्विपमेंट की, वीडियो इक्विपमेंट की. और ड्रोन के लिए चार्जिंग का स्टेशन यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है. दिस इज़ बैटरी नंबर 3 जो कि फुली चार्ज हो चुकी है, मुझे उतार लेनी चाहिए. ये मेरे GoPro का चार्जर है. तो ये एक और RGB लाइट है, दोनों मिलके अच्छा कलर प्रोड्यूस करती हैं. ये भी फुली कस्टमाइजेबल है, कितने कलर्स आप इसके ऊपर चाहें आप इसके ऊपर भी चेंज कर सकते हैं. सो लेट अस मेक इट समथिंग लाइक ग्रीन. देन हियर कम्स द थर्ड लाइट. छोटी सी लाइट है, वलांजी की है, बहुत अच्छी. अगेन इसमें भी आप जितनी रेंज चाहें कलर्स की आप ले सकते हैं, फुल RGB. लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दिस. इसी टेबल पे थोड़ा सा और आप इस तरफ आएँ तो ये एक लाइट रॉड रखा हुआ है. ये मैंने भी रिसेंटली परचेज़ किया है, मेरी कुछ वीडियोस में था, आइंदा आने वाली कुछ वीडियोस में आप देखेंगे. थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाएं तो ये है बेसिकली बेस्ट व्यू का वीडियो मॉनिटर. α7 III के साथ मैं यूज़ करता था, α7C के साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. नीचे बेसिकली ये कैमरे का केज है. कॉम्प्लेक्स किस्म की शूटिंग कंडीशन में ये काम आता है, लेकिन मैंने भी देखा कॉम्प्लेक्स किस्म की शूटिंग कंडीशन वैसे की नहीं है, लेकिन फिर भी खरीद के मैंने रख लिया अपने पास. और इसके साथ ये है मेरा टेंडा का राउटर जिसके ज़रिए वाईफाई मेरे पूरे घर में प्रोमलगेट हो रहा होता है. इफ़ यू गो लिटिल डाउन तो ये बेसिकली थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है. इसके अंदर मुख्तलिफ कैमरा के ट्राईपॉड्स, बैटरीज, छोटा सा टेली प्रॉम्प्टर, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं. देर इज़ नथिंग बिलो इट. ये जिस टेबल के ऊपर लाइट्स लगी हुई थी, अगर आप इसके नीचे जाएँ तो यहाँ पर एक एप्पल का कीबोर्ड रखा हुआ है जो कि मैं यूज़ नहीं करता बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर. साथ में ये मेरे सोनी के हेडफोन्स रखे हुए हैं जो कि मैं अक्सर इस्तेमाल करता था घर पे, लेकिन अब जब से मैं यहाँ पे अपने स्टूडियो में आया हूँ और अब जब से मेरे पास डेडिकेटेड स्पेस है एडिटिंग करने की, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. नीचे की अगर आप इस कैबिनेट में आ जाएँ तो यहाँ पर एक मेरा ये वाला बैग रखा हुआ है विच इज़ माई प्राइमरी कैमरा बैग. मैंने ज़्यादा इक्विपमेंट कैरी करना हो तो मैं इसको कैरी करता हूँ. और साथ ही अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो ये मेरे ड्रोन का बैग है जिसके अंदर मेरा ड्रोन मौजूद है, Mavic 2 Zoom. ये बेसिकली मेरे लैपटॉप का बैग है. जब मैं शाम को जाता हूँ तो लैपटॉप इसमें डाल के घर ले जाता हूँ. ये मेरा कैमरा का सेकेंडरी बैग है. जब मैं घर पे होता हूँ तो ज़्यादातर ये इस्तेमाल हो रहा होता है. लिमिटेड अगर आपने इक्विपमेंट कैरी करना है तो उसके लिए ये बैग ठीक है. देन इफ़ वी गो टू दिस साइड तो यहाँ पे छोटी सी कैबिनेट मौजूद है एंड ऑल ऑफ दीज ड्रॉर्स हैव डिफरेंट थिंग्स. मेरे इक्विपमेंट्स, लेंस क्लीनर्स, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं. नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इन तीनों के अंदर इसी किस्म की चीज़ें हैं. केबल्स वेबल्स पड़ी हुई हैं.
वो खास इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है. एंड देन प्रॉबली अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस वन. ये जो आप छोटी सी लाइट देख रहे हैं ये भी उलांजी की लाइट है. इस पर इस वक्त पर्पल सा कलर आया हुआ है. बेसिकली जब मैं बैठा होता हूँ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ तो ये लाइट मेरे यहाँ पे बालों पे पड़ रही होती है. उसके बाद ये मेरा बेसिकली छोटा सा किचन है. इस किचन का खास पर्पस ये है कि यहाँ पे ये इन्वर्टर रखा है. अगर मैं बाहर रखूँ वीडियोज़ में वो शोर आएगा तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया हुआ है. बाकी इस किचन के अंदर चीज़ें हैं तो पूरी, लेकिन ये किसी और काम आता नहीं है. किचन से जनाब हम निकलते हैं बाहर एंड देन आई विल शो यू दिस थिंग. ये बेसिकली वो वाला वॉशरूम है जो कि मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ. अब वॉशरूम के अंदर यार कोई खास इंटरेस्टिंग चीज़ तो होती नहीं है तो मैं आपको क्या दिखाऊँ. बस यहाँ पे अपने बाल बाल कंघी कर लेता हूँ, दैट्स इट. आप लोगों को हम ऊपर लेके चलते हैं. ओके सो व्हाट इज दिस प्लेस. ये बारबेक्यू के लिए जगह बनाई हुई है कि अगर आप बारबेक्यू करना चाहें तो आप यहाँ आके बारबेक्यू कर सकते हैं. द टॉप ऑफ दिस इज ओपन ताकि धुआं शुआं बाहर निकल जाए. देन दिस इज वन रूम जो कि कम्प्लीटली बंद पड़ा हुआ है, कोई भी इसको यूज नहीं करता. दिस इज दी बाथरूम. लेट मी शो यू दिस रूम. दिस इज ऑल्सो एम्प्टी, कोई भी नहीं है इस कमरे में. दिस इज ऑल्सो जस्ट अनदर एम्प्टी रूम. बाथरूम, यस दिस इज द बाथरूम. ये भी खाली पड़ा हुआ है. सो लेट्स स्विच एवरीथिंग ऑफ. नाउ लेट मी टेक यू टू द रूफ. दिस इज द रूफ ऑफ माई हाउस. इनफैक्ट इट्स अ स्टूडियो. इनफैक्ट जब मैंने घर खरीदा था तो मैंने सोचा नहीं था कि यार स्टूडियो बन जाएगा. मैंने खरीदा था, मैंने कहा चलो किराए विराए पे दे देंगे, किराया आता रहेगा. पर फिर मैंने सोचा यार क्यों ना इसको इस इस्तेमाल में लाया जाए जब ये खाली हुआ. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस हाउस एज माई स्टूडियो. मैंने आपको अपना पूरा स्टूडियो दिखाया. आई शोर यू ईच एंड एवरीथिंग. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, मेरे स्टूडियो का टूर आपको पसंद आया हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली. दिस इज़ मी ज़ाहिद निसार. यू आर वॉचिंग ऑरेंज शॉर्ट्स. अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.